निजी हॉस्पिटल के बाहर महिला का शव रख कर दिया जा रहा धरना प्रदर्शन। हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। इक्कीस जनवरी को प्रसव पीड़ा होने पर निजी अस्पताल लाई गई थी गर्भवती महिला। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बिगड़ गई थी महिला की हालत। परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन ने मरीज को देर से रेफर किया था, जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। अमन होने के बाद में और उसके बाद में इन्होंने कार्रवाई करी है। दादरी से भी कुछ डॉक्टर बुलाए थे, हमको नहीं बताया इन्होंने, तो डॉक्टरों ने छुपा छुपी अंदर ही अंदर ये बात करते रहे और जो हम इनसे धिंगम उसकी ब्लीडिंग चलती रही, हमें नहीं बताया। हमारा मरीज बिल्कुल बेकार हो गया, उसके कारण हम यहाँ से इनसे लगड़ झगड़ करके अपने पेशेंट को लेकर गए। इनसे रेफर बनवाया और रेफर इन्होंने ही खुद बनाया था शारदा हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को ब्लड की ही जरूरत है और परेशानी नहीं बताई इन्होंने अंदर की। और वहाँ जाने के बाद में जब एडमिट हमने करा इमरजेंसी आईसीयू में, तो उन्होंने डॉक्टरों ने हमें भगा दिया वहाँ से हमारा पेशेंट देख करके, क्योंकि इस पेशेंट को कहाँ से लेकर आए, तो बिल्कुल मरा पड़ा है और इसका स्थिति खराब है। डॉक्टरों ने जो पीछे से डॉक्टरों से जो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया वो बिल्कुल गलत कर रखा है, तो उन्होंने हमें डॉक्टरों ने भगाया वहाँ से शारदा में से। उनके हाथ पैर पकड़ के हमने माफी आफी मांग करके उनको एडमिट करवाया। उन्होंने 1% बस चांस दिया था हमें, उसके कारण ये परेशानी में एडमिट होगी। उसके बाद में कुल ब्लड भी चढ़ा था, 22-23 यूनिट ब्लड भी लगा है और ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था बच्चे दानी का। कार्रवाई के लिए आए थे, कार्रवाई के लिए हम आए थे यहाँ पे। इन लोगों ने कहा था कि भाई सर हमारा कुछ सपोर्ट जो हम पे हेल्प मार, जो हमारे पास पैसा है हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ हमारे सपोर्ट करो। उन्होंने कहा था हम पे कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ तो करो, मैंने हमने कहा कानून से थोड़ी मदद मांगेंगे, हम कहेंगे कम से बोले जो करा जाए आप कर सकते हो, हमारे पास कुछ नहीं है। अब डॉक्टर अंदर बंद है, धमकी दिया था हमें, धमकी दे रहे हैं कि जाओ आगे तक भी कुछ नहीं होगा, जो उखड़ना है उखाड़ लेना, आगे तक भी कुछ नहीं होगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और घरवाली तो हमारी खत्म ही होगी, ये छोटे वाले बच्चे क्या बच्चे हैं इस उम्र तक, तीन बच्चे हैं, सिखा सकते हैं, नीचे हैं, आ जाइए। बैठी हुई है मेरी लड़की के, लड़का पैदा हुआ ब्लड बंद नहीं हुआ। अच्छा, नहीं तो हुआ मेरी लड़की के पैदा। अच्छा, नहीं सुना उन्होंने डॉक्टर ने कही उन्होंने कही कहीं तो ब्लड बंद है, कोई किसी ने नहीं किया, डॉक्टर ने लड़ पड़ी हुई है बाद में कही मेरी। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में उपचार के दौरान कल महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों में अस्पताल के लिए आक्रोश है। मृतक प्रीति के शव को निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे परिजन। हॉस्पिटल के गेट पर शव रखकर सैकड़ों लोगों के साथ मृतका के परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित न्यू टीमा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर का मामला है। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार, क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।